देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ ज्योति अरोड़ा। वक्त हो गया है मॉर्निंग न्यूज का, जिसमें हम आज की खबरों पर करेंगे विस्तार से चर्चा। तो आइए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज यानी 23 जुलाई 2024 को सुबह 11 बजे संसद में वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए केंद्रीय बजट पेश करेंगी। आपको बता दें कि पीएम मोदी की अगुवाई वाली एनडीए सरकार के तीसरे कार्यकाल के इस बजट पर सभी की निगाहें हैं। इस बजट से आम जनता के साथ सभी सेक्टर को काफी उम्मीदें हैं। आम जनता को जहां एक तरफ टैक्स छूट की उम्मीदें हैं। सुप्रीम कोर्ट आज वाराणसी के ज्ञानव्यापी मामले की अगली सुनवाई करेगा। मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस डी वाई चंद्रचूड की अध्यक्षता वाली 3 सदस्यीय पीठ करेगी। इसमें 2 अन्य पदें न्यायाधीश जस्टिस जे बी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा होंगे। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट व्यास जी के तहखाने में पूजा के खिलाफ मस्जिद पक्ष की याचिका पर ट्रायल कोर्ट के याचिकाकर्ता शैलेंद्र व्यास को नोटिस जारी कर चुका है। ब्रिटेन में 14 वर्षों बाद लेबर पार्टी की सरकार बनी है। इस बीच इंग्लैंड के विदेश मंत्री डेविड लैमी आज भारत आ रहे हैं। इस दौरे का मुख्य एजेंडा भारत ब्रिटेन मुक्त व्यापार समझौता रहेगा। ब्रिटेन में नवनिर्वाचित लेबर सरकार के तहत भारत का पहला उच्च स्तरीय दौरा होगा। अलगाववादी सांसद अमृतपाल के भाई और उसके साथी को जमानत नहीं मिली, अब उनकी जमानत पर आज सुनवाई होगी। आरोपितों को पुलिस ने 11 जुलाई को फिल्लौर में कार में नशा करते हुए गिरफ्तार किया गया था और उनके पास से 4 ग्राम आइस ड्रग बरामद हुआ था। राजस्थान की राजधानी जयपुर के जवाहर कला केंद्र में आज से 28 जुलाई तक 6 दिवसीय नटराज महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। जवाहर कला केंद्र की सहभागिता में एयू बैंक, राजा फाउंडेशन और फोर्थ वॉल सोसाइटी के संयोजन से होने वाली महोत्सव में रंगमंच, गायन एवं नृत्य का संयोजन देखने को मिलेगा। मध्य प्रदेश के धामनोद नगर में आज चंद्रशेखर आजाद जयंती पर संस्था सनातन सारथी परिवार संकल्प सभा और भगवा साफा यात्रा का आयोजन करेगा। आपको बता दें कि इसमें अतिथि के तौर पर श्रीराम सेना के राष्ट्रीय संयोजक और तेलंगाना के गौशा महल के विधायक टी राजा सिंह शामिल होंगे। रांची की पीएमएलए कोर्ट ने जामताड़ा के चर्चित साइबर अपराधी प्रदीप मंडल सहित 5 को दोषी करार दिया है। पीएमएलए कोर्ट के विशेष न्यायाधीश पीके शर्मा ने आरोपियों को सजा सुनाने के लिए आज की तिथि निर्धारित की है। न्यायालय द्वारा साइबर अपराधियों को दोषी करार दिए जाने के बाद उन्हें रांची के बिरसा मुंडा सेंट्रल जेल भेज दिया गया। हरियाणा के अंबाला में ऑल नर्सिंग ऑफिसर वेलफेयर एसोसिएशन हरियाणा मांगों को लेकर आज काले रिबन लगाकर काम करेगी। आपको बता दें कि एसोसिएशन की तरफ से रविवार को प्रेस नोट जारी कर कहा गया कि आज काले बिल्ली लगाकर काम किया जाएगा। वहीं 28 जुलाई को सीएम आवास का घेराव किया जाएगा। छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल रायपुर की ओर से हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी स्कूल की द्वितीय मुख्य परीक्षा आज से 12 अगस्त तक आयोजित होगी। परीक्षा के सफल संचालन के लिए राज्य स्तर पर ऑनलाइन प्रशिक्षण उन्मुखीकरण कार्यक्रम आयोजित किया गया। भारत के अधिकतर हिस्सों में जमकर बारिश हो रही है। देश की आर्थिक राजधानी मुंबई समेत इलाके बारिश और बाढ़ से बेहाल हैं। वहीं कई राज्यों में सामान्य से कम बारिश दर्ज की गई है। मौसम विभाग ने आज कर्नाटक, उत्तराखंड, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, मध्य प्रदेश, राजस्थान और केरल में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। वक्त हो गया है आज के इतिहास का, तो आइए निगाह डाल लेते हैं आज के इतिहास पर। साल 1856 में आज के दिन तिलक गणितज्ञ, दार्शनिक और राष्ट्रवादी बाल गंगाधर का जन्म हुआ था। साल 1877 में आज के दिन हवाई में पहली टेलीफोन और टेलीग्राफ लाइन बिछाई गई थी। साल 1906 में आज के दिन स्वतंत्रता सेनानी चंद्रशेखर आजाद का जन्म हुआ था। साल 1927 में आज के दिन मुंबई से रेडियो सेवा का नियमित प्रसारण शुरू हुआ था। साल 2001 में आज के दिन मेघावती सुकर्णो पुत्री इंडोनेशिया की राष्ट्रपति बनी थी। मॉर्निंग न्यूज में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।